गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन लास्ट एक्सपेरिमेंट वी स्टडी द एंटी ट्यूमर ड्रग विनका, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग राउल्फिया एंड डायुरेटिक ड्रग बोखरू. ओके, नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल सीन द एंटीसेप्टिक ड्रग कुरकुमा एंड नीम, विटामिन्स अमला एंड एंटी रूमेटिक ड्रग कोल्चिकम. ओके, ये ड्रग्स हमें यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में देखने हैं. तो पहले तो हम देखेंगे एंटीसेप्टिक मीन्स व्हाट. ओके, एंटीसेप्टिक क्या होता है. एंटीसेप्टिक्स आर दी केमिकल स्टरिलाइजिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल दी पैथोजेनिक माइक्रोब्स और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ देयर ग्रोथ. दे आर नॉन टॉक्सिक एंड superficially applied on the living tissue, but the term disinfectant is applied only to those substances which are not directly applied to the tissue due to their toxicity, but are used to decontaminate the drain and fecal matter also of sterilizing of instruments, example neem, टर्पेंटाइन एंड टर्पन. ओके, एंटीसेप्टिक मीन्स वॉट. तर एंटीसेप्टिक मीन्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो स्टरिलाइजिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं. स्टरिलाइजेशन मीन्स वॉट, टू किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स. ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको किल करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक ड्रग्स. ओके, तो उसमें भी जो ड्रग्स ऐसे जो स्टरिलाइजिंग एजेंट्स है या फिर स्टरिलाइजिंग सब्सटेंसेस है जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो भी दो टाइप्स के होते हैं. ऐसे जो नॉन लिविंग थिंग्स पर या फिर जो टॉक्सिक नहीं होते, वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हम हमारे लिविंग टिश्यू पर यूज करते हैं, हमारी बॉडी पर यूज कर सकते हैं. और जो टॉक्सिक होते हैं वो हम बॉडी पर यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो हम लिविंग टिश्यू पर यूज करते हैं, लिविंग टिश्यू पर अप्लाइड करते हैं, उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक ड्रग्स. ओके, और जो हम लिविंग टिश्यू पर अप्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू दी टॉक्सिसिटी, उसको हम स्टरलाइजिंग पर्पस के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टरलाइज करने के लिए, फ्लावर्स को स्टरलाइज करने के लिए, देन जो भी वॉल्स होती है उसको स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिसइंफेक्टेंट. जैसे हम घर में जो फर्श होती है उसको पोंछने के लिए जो फिनाइल वगैरह यूज करते हैं तो वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं. ठीक है, तो या फिर हम जो भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए, तो वो भी स्टरलाइजिंग डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टरलाइजिंग सब्सटेंसेस. ठीक है, और जो स्टरलाइजिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट जो होते हैं वो हम लिविंग थिंग्स पर यूज कर सकते हैं फॉर द किलिंग ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एंटीसेप्टिक. और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लिविंग टिश्यूज पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी फिकल मैटर होता है या फिर ड्रेन्स होते हैं उसको हम डीकंटेमिनेट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं. स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लावर्स इस पर्पज के लिए, रूम्स इस पर्पज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिसइंफेक्टेंट नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे हमें एंटीसेप्टिक पढ़ने हैं. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करते हैं लिविंग टिश्यूज पर. ठीक है, एग्जांपल्स हैं नीम, टर्पेंटाइन एंड टर्मरिक. ओके, देन सेकंड बात आती है, दीज आर दी सब्सटेंसेस व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आर नॉट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी ऑन इट्स ओन एंड हेंस टू बी सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स. ओके, विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स आर द सब्सटेंसेस विच कंसिडर टू बी इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल हेल्थ ऑफ द बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस. हमारा जो भी नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो सब्सटेंसेस इसेंशियल है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत रिक्वायर्ड है, लेकिन
हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होते या फिर हमारी बॉडी में वो सिक्रेट नहीं होते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें वो बाहर से सप्लाई करने पड़ते हैं बॉडी को। तो हम बॉडी को जो बाहर से सब्सटेंस सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते या फिर हमारी बॉडी में सिक्रेट नहीं होते। तो हम आउटर जो भी सोर्सेस है उससे हम हमारी बॉडी में आउटसाइड सोर्सेस से उसको हमारी बॉडी में हम सप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स जो है उसके एग्जांपल है आमला, ठीक है। देन जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ईस्ट जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन थर्ड पार्ट है हमारा एंटी रिमेटिक, द ड्रग्स यूज टू रिलीव और यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटिज्म आर नोन एज एंटी रिमेटिक्स। रिमेटिज्म इज अ ग्रीक वर्ड, रिमा मीन्स फ्लोविंग एंड आइसोम्स मीन्स कंडीशन, फ्लोविंग कंडीशन कैरेक्टराइज बाई द सोर्सनेस स्टिफनेस ऑफ मसल्स एंड पेन इन जॉइंट्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग आर्थराइटिस। मीन्स रूमेटिज्म क्या है, तो रूमेटिज्म एक ग्रीक वर्ड है, रूमा का मतलब होता है फ्लोवरिंग एंड आइसोम्स का मतलब होता है कंडीशंस, फ्लोविंग कंडीशंस, लाइक ऐसी कंडीशंस जहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ, मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है, सोर्सनेस हो जाते हैं, या फिर जो जॉइंट्स होते हैं एल्बोज है नीज है तो यहाँ पे जो जॉइंट्स है उसमें पेन होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंट पेन, इन शॉर्ट जॉइंट पेन जो होती है इसको हम बोलते हैं रूमेटिज्म, ठीक है। तो रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ओके। ऐसे कौन से ड्रग है जो एंटी रूमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो एग्जाम्पल इज गुगुल, सलाई, निर्गुंडो, जटामांसी एंड कोल्चिकम, दीज आर द ड्रग्स विच इज प्रोड्यूस द एंटी रूमेटिक एक्शन, ओके। जॉइंट पेन्स जो होते हैं उससे रिलीफ देने के लिए ये ड्रग्स यूजफुल है। नाउ स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। डिटेल स्कीम या फिर अकाउंट्स हमें ड्रग के देखने हैं। फर्स्ट ड्रग इज कुरकुमा। सिनोनिम फॉर कुरकुमा टर्मरिक, इंडियन सैफ्रॉन, संस्कृत में बोलते हैं हरिद्रा, हिंदी में बोलते हैं हल्दी, बंगाली में हलूद, गुजराती में हल्दा एंड तमिल में बोलते हैं मंजल, ओके। दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द कुरकुमा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, हमें पता है कुरकुमा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टर्मरिक जो है, टर्मरिक कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश राइजोम्स ऑफ प्लांट नोन एज कुरकुमा लोंगा। बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबरेसी, इट कंटेन्स नॉट लेस देन 4% ऑफ होलाटाइल ऑयल। 4% से ज़्यादा होलाटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है। और टर्मरिक हम सब ने देखी हुई है कि हल्दी सब ने देखी है, तो हल्दी का जो प्लांट होता है कुरकुमा लोंगा, उसके जो राइजोम्स होते हैं, हल्दी जमीन के अंदर आते हैं, तो उसके जो राइजोम्स होते हैं वो ड्राइड राइजोम्स अगर हम पाउडर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कुरकुमा, ठीक है। देन मैक्रोस्कोपी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर जो है एक्सटर्नली अगर हम देखें तो येलोइश टू येलोइश ब्राउन होता है, ऊपर से कलर कैसा होता है येलोइश टू येलोइश ब्राउन। इंटरनली अगर हम देखें तो येलोइश टू ऑरेंज, येलोइश टू ऑरेंज, ओके। देन ऑर्डर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक हल्दी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। देन टेस्ट कैसे है, स्लाइटली बिटर हल्दी, अगर आप वैसी की वैसी अगर खा के देखते हो तो वो कैसी लगती है, स्लाइटली बिटर। देन साइज कैसे है, 2 to 5 centimeter लेंथ, एक जो राइजोम होता है उसकी साइज कितनी होती है, तो 2 to 5 centimeter तक लेंथ होती है, 1 to 2 centimeter तक थिकनेस होती है, और रूट्स का स्कार जो होते हैं वो एन्यूलेशंस आर प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ पे रूट स्कार्स जो होते हैं वो उस पर प्रेजेंट होते हैं। शेप कैसा है,
राउंड टर्मरिक राइजोम्स आर ओवेट एंड ओब्लॉन्ग. पता है हमें कैसे होते हैं, तो जो राउंड टर्मरिक राइजोम्स होते हैं थोड़े से थिक होते हैं, देन ओवेट शेप के होते हैं, ओब्लॉन्ग होते हैं. लॉन्ग टर्मरिक अगर राइजोम है तो लॉन्ग टर्मरिक राइजोम्स आर सिलेंड्रिकल एंड शॉर्ट ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं लॉन्ग अगर है तो. देन द फ्रैक्चर्स ऑफ राइजोम्स आर हॉर्नी, राइजोम्स पर फ्रैक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और वो कैसे होते हैं, हॉर्नी फ्रैक्चर्स होते हैं. ठीक है, राउंड टर्मरिक राइजोम्स भी अलग होते हैं और लॉन्ग टर्मरिक राइजोम्स अलग होते हैं. तो वो दोनों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. जो राउंड टर्मरिक राइजोम्स होते हैं वो ओवेट और ओब्लॉन्ग होते हैं, और जो लॉन्ग होते हैं वो सिलेंड्रिकल और शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. टर्मरिक में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हमने पहले देखा कि उसमें होलाटाइल ऑयल प्रेजेंट है मोर देन 4%. ठीक है, देन रेजिन्स, स्टार्च ग्रेन्स, येलो कलरिंग सब्सटेंसेस नोन एज कुर्कुमिनोलाइड्स. चीप कंपोनेंट ऑफ कुर्कुमिनोलाइड इज नोन एज कुर्कुमिन. ओके, होलाटाइल ऑयल हल्दी में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, देन येलो कलर सब्सटेंसेस, उसका जो येलो कलर है वो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से है. कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बोलते हैं कुर्कुमिनोलाइड्स. ओके, और उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है कुर्कुमिन. ओके, देन अदर देन दिस जिंजिबेरिन, बॉर्नियोल, टर्मेरॉन, कैप्रिलिक एसिड, दिस आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कुर्कुमिन. ओके, देन यूजेस, टर्मरिक इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक. टर्मरिक का क्या यूज है, इट विच इज एंटीसेप्टिक. ओके, अगर हमें कहाँ पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसके ऊपर हम हल्दी लगाते हैं. क्यों? ड्यू टू द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. एक्सपेक्टोरेंट है, हमारी बॉडी में अगर कफ ज़्यादा हो गया है तो कफ को निकालने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं. अभी ये जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा है तो इसके बीच में हम हल्दी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि वो एक्सपेक्टोरेंट है. हमारी बॉडी में जो भी कफ होता है उसको निकालने में वो यूजफुल है. कलरिंग एजेंट के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं, कलरिंग पर्पज़ के लिए. देन कॉन्डिमेंट ऑफ स्पाइस इन करी पाउडर. ठीक है, तो हम उसको स्पाइसेस में भी यूज़ करते हैं. हर एक सब्जी में हम टर्मरिक यूज़ करते हैं. कुरकुमा राइजोम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आयुर्वेदिक. कुरकुमा जो है हल्दी जो है वो हम उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस है. कहाँ पे? तो आयुर्वेद में. देन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसमें भी उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. देन यूटेरिक एंड एनोडाइन फॉर बिलियरी कैलकुलस एंड मेस्ट्रुअल पेंस जो होते हैं उसमें भी हल्दी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टोमेटिक है. ओके, देन नेक्स्ट ड्रग है नीम. नीम के क्या यूजेस है, नीम के क्या सिनोनिम्स है? नीम हमें पता है सबको, नीम के लिए सिनोनिम है संस्कृत में निम्बा, हिंदी एंड बंगाली में नीम, मराठी एंड गुजराती में निम्बा, तमिल मलयालम एंड वेपा में कान एंड बगू. बायोलॉजिकल सोर्स, नीम इज अ फ्रेश और ड्राई लीव्स ऑफ सीड ऑयल ऑफ एजाडेरिक्टा इंडिका बिलोंगिंग टू फैमिली मेलियासी. ओके, नीम का जो प्लांट है उसके वैसे देखें तो हम उसका हर एक पार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राइड लीव्स एंड सीड ऑयल दिया हुआ है. नीम के जो सीड्स होते हैं उसका ऑयल बहुत ही यूजफुल होता है, और जो लीव्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में भी और वेट फॉर्म में भी, फ्रेश लीव्स भी हम यूज़ करते हैं. एजाडेरिक्टा इंडिका नाम का जो प्लांट है उसे हम बोलते हैं नीम. फैमिली है मेलियासी. ओके, नाउ माइक्रोस्कोपी और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नीम. ऑल्दो डिस्क्राइब एज एवरग्रीन एंड ड्राइड एरिया, इट बिकम डेडिशियस. इट्स बार्क इज मैंडेटरी थीक एंड लॉन्जिट्यूडिनल और ओब्लैंग फिरोज ऑन द आउटर सरफेस.
द बार्क इज डार्क ग्रे आउटर एंड रेडिश इनसाइड. ओके, नीम का जो बार्क होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, मॉडरेटली थिक होता है एंड इनर आउटर साइड से डार्क ग्रे कलर का होता है और इनर साइड से रेडिश कलर का होता है. ठीक है, फ्लावर्स ऑफ द नीम्स अपीयर फ्रॉम द मार्च मे एंड द फ्रूट्स आर राइपन ड्यूरिंग द जून एंड अगस्त. नीम के जो फ्लावर्स होते हैं वो मार्च टू मे, ये जो 3 मंथ्स होते हैं इसमें आते हैं और उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो जून टू अगस्त में आते हैं. ग्रीनिश येलो एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं एंड आफ्टर राइपिंग जब वो राइप हो जाते हैं तो पूरी तरह से येलो हो जाते हैं. ठीक है, दे यूजुअली कंटेन्स ओनली वन सीड, एक फ्रूट में एक ही सीड प्रेजेंट होता है. दिस सीड ऑयल नोन एज अ मार्गोसा ऑयल, जो सीड का जो ऑयल आता है मार्केट में उसे बोलते हैं मार्गोसा ऑयल. ओके, एक्रिड येलो एंड बिटर इन टेस्ट एंड हैज अ डिसएग्रीएबल गार्लिक लाइक ऑर्डर. ओके, जो सीड का ऑयल होता है उसको उसकी टेस्ट जो होती है वो बिटर होती है और एक्रिड येलो कलर का वो दिखता है. देन उसका जो ऑर्डर होता है वो डिसएग्रीएबल होता है, गार्लिक का जैसा होता है, लहसुन का जैसा स्मेल होता है वैसे स्मेल उसका होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. द बिटर प्रिंसिपल ऑफ नीम हैज आइडेंटिफाइड एज अ निम्बिडिन. निम्बिडिन ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी वजह से उसका बिटर उसकी बिटरनेस है. जो सीड्स होते हैं उसमें 45% ऑयल होता है. देन एक्टिव इंग्रेडिएंट है एजाडायरेक्टिन, सेलेनिन, मेलाट्रियोल. अदर देन दिस निम्बोस्टेरॉल, कॉर्सेटिन, निम्बोस्टेरॉल एंड कॉर्सेटिन. दिस सीड्स कंटेन्स एजाडायरेक्टिन, सेलिन एंड मेलिस्टेरॉल एंड मेलिसिन. These are the chemical constituents which are present in the neem. Now uses, neem is used as an antiseptic and insecticide. Antiseptic or insecticide, ये दोनों use है उसके. Then neem oil या फिर निम्बिन एंड निम्बिडिन जो है वो antifungal agents है. वो क्या है? Antifungal. Then anti-insecticide principle जो है वो due to the vespicide and मार्गोसाइट्स इसकी वजह से है. देन एंटी एट्रीब्यूटेड आर्टिफिशियली एंटीवायरल प्रॉपर्टी. ओके, नीम कैसा है? एंटीसेप्टिक है, इंसेक्टिसाइडल है, एंटीफंगल है, एंटीवायरल है. ओके, और इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स. नाउ नेक्स्ट ड्रग इज अमला विच इज फ्रॉम द विटामिन कैटेगरी. अमला के लिए सिनोनिम है इमलिका, इंडियन गॉसबेरी, इम्लिक मारोबालन. ओके, इम्लिक मारोबालन. बायोलॉजिकल सोर्स इज कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एज वेल एज फ्रेश फ्रूट्स ऑफ प्लांट इम्लिका ऑफिसिनलिस गर्थ बिलोंगिंग टू फैमिली इफोरबियासी. ओके, आमला का जो प्लांट है वो है इम्लिका ऑफिसिनल बिलोंगिंग टू फैमिली इफोरबियासी. इसके हम ड्राइड फ्रूट्स या फिर फ्रेश फ्रूट्स यूज करते हैं, आंवला पता है सबको. देन मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी या फिर माइक्रोस्कोपी क्या है? तो कलर जो है ग्रीन चेंजिंग टू लाइट येलो और ब्रिक रेड व्हेन मैच्योर. जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो पहले तो वो कलर ग्रीन होता है, देन लाइट येलो होता है, बाद में पूरा रेड हो जाता है, ब्रिक रेड. ओके, ऑर्डर नन. टेस्ट सोअर एंड एस्ट्रिंजेंट. प्रोटीन प्रेसिपिटेंट टेस्ट होती है. प्रोटीन्स जो होते हैं टंग्स के ऊपर के वो सारे वो क्या करती है? प्रेसिपिटेट कर देता है. ठीक है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट. देन साइज 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. ओके, साइज कैसी है? जो फ्रूट होते हैं वो 1.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के होते हैं. देन शेप फ्रूट्स आर डिप्रेस्ड एंड ग्लोबोस. ग्लोबोस होते हैं एंड डिप्रेस्ड होते हैं. ओके, देन एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है? फ्रूट्स आर फ्रेशली ऑब्सक्यूलर, 6 लोब्स विथ 6 ट्राइगोनस सीड्स. दे आर वेरी हार्ड एंड स्मूथ इन अपीयरेंस. ओके,
जो फ्रूट होते हैं उसके ऊपर 6 लोब्स होते हैं, और जो सीड उसके अंदर प्रेजेंट है, एक फ्रूट में एक ही सीड प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर भी 6 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सीड का आउटर कवरिंग होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, और नीचे सॉरी आउटर कवरिंग के बाद में जो इनर कवरिंग है वो बहुत ही स्मूथ होता है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आमला इज वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ द विटामिन सी, विटामिन सी का ये रिचेस्ट सोर्स है। देन फ्रूट लॉस विटामिन सी कंटेंट मोर ड्राइड इन द सन देन द शेड, ओके। अगर हम उसको डायरेक्टली सन ड्राई करते हैं तो वो जो विटामिन सी है वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए हम जो फ्रूट्स होते हैं उसको शेड ड्राइंग करते हैं। टैनिंस उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड, थायलेमिन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द आमला। आमला इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ द पेक्टिन मिनरल्स, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम, ओके। नाउ यूजेस ऑफ द आमला, आमला का मेजर यूज है कि ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन पे यूज किया जाता है, लाइक त्रिफला चूर्ण, देन च्यवनप्राश, इसमें आमला मेजर सोर्स है। देन विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी होती है तो इसके लिए भी ये गुड ऑप्शन है। देन यूजफुल इन डिसीज, लिवर डिसीजेस एंड डायबिटिक्स, डायबिटिक्स में और लिवर डिसीजेस में भी ये यूजफुल है। देन स्कर्वी में यूजफुल है विटामिन सी। देन रिपोर्टेड है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एज वेल एज एंटी फंगल एक्टिविटी भी इसमें है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल एक्टिविटी। देन नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज कोल्चिकम, इंडियन कोल्चिकम, ओके। सिनोनिम फॉर इंडियन कोल्चिकम इज कोल्चिकम सीड्स, बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट कोल्चिकम ल्यूटियम बिलोंगिंग टू फैमिली लिलियासी, लिलियासी फैमिली का ड्रग है कोल्चिकम ल्यूटियम, ओके। उसके जो ड्राइड सीड्स होते हैं उसको हम इंडियम कोल्चिकम करके यूज करते हैं। मैक्रोस्कोपी है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, डार्क रेडिश ब्राउन पीच एंड स्ट्रच, ओके। डार्क रेडिश टू ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं, ऑर्डर नहीं होता, नन। देन टेस्ट जो होती है वो बिटर एंड एक्रिड होती है। साइज जो है 2 to 3 centimeter इन डायमीटर, 2 to 3 centimeter के डायमीटर के होते हैं। सीड्स आर ग्लोबुलर, सीड्स कैसे होते हैं, ग्लोबुलर एंड स्ट्रोफियोल वन साइड एंड रैफिड ऑन अदर साइड, ओके। एक साइड से स्ट्रोफियोल होते हैं और अदर साइड से रैफे होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है, कोल्चिकम सीड्स कंटेंस 0.2 to 1% टोटल अल्कोलाइड्स, 0.2 से लेकर 1% तक टोटल अल्कोलाइड्स इसमें प्रेजेंट है, कैलकुलेटेड एज अ कोल्चिसिन, ओके। कोल्चिसिन करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देन कोल्चिसिन डेमोकोलिसिन कोल्ची रेजिन स्टार्च एंड 5% फिक्स ऑयल्स आर प्रेजेंट इन द कोल्चिकम। यूजेस ऑफ कोल्चिकम, कोल्चिकम इज यूज इन गाउट एंड रिमेटिज्म, जॉइंट पेन्स जो होते हैं तब हम कोल्चिकम का ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, गाउट में या फिर रिमेटिज्म में जो जॉइंट पेन्स है उसके ऊपर हम कोल्चिकम ऑयल लगाते हैं। देन इट इज यूज इन, कोल्चिकम का ऑयल भी लगाते हैं और उसको हम इंटरनली भी लेते हैं। देन इट इज यूज टू कॉज द पॉलीप्लॉइडी, इट इज यूज इन हॉर्टिकल्चर एंड कल्टिवेशन of medicinal plants, okay। कोल्चिकम जो होता है वो हम हॉर्टिकल्चर में भी यूज करते हैं और मेडिसिनल प्लांट जो है उसके कल्टिवेशन कलेक्शन में भी हम कोल्चिकम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। कोल्चिकम का मेजर यूज है कि वो हम गाउट और रिमेटिज्म की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट नंबर 17 था उसमें जो भी ड्रग्स हमने देखे उसके यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं। जो कुरकुमा है वो ओवेट सॉरी सर्कुलर हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल हो सकता है। नीम के जो लीव्स होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। आंवला जो है वो ऐसे दिखाई देता है, ड्राइड आंवला ऐसे दिखाई देते हैं। देन कोल्चिकम के जो कॉर्न्स होते हैं वो ऐसे होते हैं और कोल्ची कम के जो लीव्स होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द ड्रग्स विच आर स्टडीड इन द दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। एंटीसेप्टिक कुरकुमा और नीम, ये दो ड्रग्स हमने पढ़े। विटामिन से आमला हमने पढ़ा,
और एंटी रूमेटिक ड्रग्स में से कोल्चिकम एड्रग हमने पढ़ा। ओके, देन नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 18, उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट्स और परफ्यूम्स जो होते हैं सैंडलवुड एंड फाइबर्स में कॉटन, सिल्क एंड वुड, ये ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे।